इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कतर की अदालत से 8 पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारियों को मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय का बयान अब सामने आया है। कहा जा रहा है कि फैसले से वो गहरे सदमे में हैं और सभी कानूनी विकल्पों पर फिलहाल विचार हो रहा है। तो अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से पहली प्रतिक्रिया, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पहली प्रतिक्रिया, इन 8 पूर्व नेवी अफसर जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है कतर के कोर्ट में, और जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी लीगल ऑप्शंस हैं, कानूनी विकल्प हैं, उन पर विचार हो रहा है। अमिताभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन पर। अमिताभ, भारत को इसे बैक चैनल पर बात करनी होगी, कहीं ना कहीं ये दारोमदार भारत पर आ जाता है, भले ही ये एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे हों, लेकिन ये काफ़ी लंबे सिरे से ये कोर्ट में ये प्रकरण चल रहा है, लेकिन किसी को भी सजाए मौत की अपेक्षा नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि जब एक साल पहले ना गिरफ्तार किया गया था आनंद, तब भी भारत सरकार ने इस मामले को उठाया था कतर के सामने और कहा था कि वो बेदाग हैं, बेकसूर हैं, लेकिन कतर में इन पर मुकदमा चलता रहा। और इतनी जल्दी जब हमास इजराइल युद्ध के समय भारत ने एक लाइन ली है, उन्होंने हालांकि फलस्तीन को भी फोन किया है, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने हमास और इसराइल के पक्ष में भी बयान दिया है। उसके बाद भारत ने जिस तरह से G20 में अपना पक्ष रखा है, एक कॉमन घोषणा पत्र लाकर, तो मुझे लगता है कि बढ़ती जो ताकत है भारत की और भारत के स्टैंड को लेकर, जो एकाएक अदालत का फैसला है, तमाम चीजों को जोड़कर भी देखा जा सकता है। लेकिन भारत सरकार कानूनी पक्ष पर भी विचार कर रही है, आगे की अदालत में इसको चैलेंज करने का ऑप्शन है। दूसरा एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, जो आपको शायद आनंद जानते ही होंगे, कि कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी के पास भी विकल्प है, उनको माफी देने का अधिकार है। और कतर में माफी भी दो मौकों पर अमीर कैदियों को देते हैं, पहला रमजान के मौके पर जब वो निकल चुका है, लेकिन दूसरा है राष्ट्रीय दिवस जो होता है 18 दिसंबर को, उस दिन भी कतर के अमीर माफीनामा देते हैं, तो एक उस दिन भी माफी का मौका है। तो मुझे लगता है कि घड़ी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, और कूटनीतिक रिश्तों को भारत को ओमन से पहले भी संबंध है। देखिए मिडिल ईस्ट में, लेकिन अमिताभ ये कूटनीतिक दावपेच थोड़ा ज्यादा ही है, क्योंकि OIC के कंट्रोल के लिए भी कतर और सऊदी में ठनी है। सऊदी और UAE से भारत की बढ़ती मित्रता कहीं ना कहीं कतर को खला है। कतर, तुर्की, ईरान, ये एक एक्सिस बन के आया है, और इनके रुख, इनके स्वर हाल फिलहाल में भारत के खिलाफ बढ़ गए हैं, क्योंकि भारत की नज़दीकियां अमेरिका से बड़ी हैं, और ये तीनों देश जो हैं, भले ही तुर्की नेटो का भाग है, लेकिन इनका एक अलग डायनामिक चल रहा है। कतर के साथ इससे पहले भी राजनीतिक इश्यूज हुए हैं, क्योंकि कतर ने ही सबसे पहले तूल दिया था नुपुर शर्मा के इशू को, वो भी दो तीन हफ्ते बाद, और कतर ने ही पूर्व उपराष्ट्रपति के डिनर को कैंसिल किया था। तो पिछले 2-3 साल से कुछ कतर के साथ इक्वेशंस सेट नहीं हुए हैं भारत के, भले ही कतर के भारत में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, और भारत से, भारतीय मूल के और भारतीय कई सारे कतर में काम भी करते हैं और कतर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। कतर में भारतीयों की संख्या कहीं से कम नहीं है, और ये पूर्व नौसैनिक जो थे सारे कमांडर स्तर के हैं, नाविक उसमें सिर्फ एक ही 8 लोगों में, और जिनको फांसी की सजा दी गई है, और ये वहाँ के नौसेना को ट्रेन भी कर रहे थे वहाँ के, और वहाँ जो इटालियन सबमरीन का जो डील हुआ है कतर के साथ इटली का, उसमें भी वो लोग ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। इसलिए ऐसे समय पाकिस्तान का भी रोल, कई लोग कह रहे हैं कि अगर जिसमें भारत ने जो इजराइल के पक्ष में लाइन दी है, इसमें उन तुर्की हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, जिन्होंने इस चीज को और तेजी से आगे बढ़ाने का काम करने में के लिए हो सकता है कतर पर दबाव डाला हो। तो कई ऑप्शन हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जो इनकी फांसी की सजा को जल्दी करवाने में, क्योंकि एकाएक फैसला है, मुझे कई देशवासी ये भी सोच रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या थी इस समय अदालत में ऐसे भारत के लोगों को फांसी की सजा। देखिए कोर्ट के प्रकरण को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि जुलाई और अगस्त में भी इस पर सुनवाई हुई थी, तो अचानक से फैसला आया है जब सुनवाई चल रही है। ऐसा नहीं है कि कौंसुलर एक्सेस नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं कतर ने काफी सारे अड़ंगे भी डाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये डिप्लोमेटिक बैक चैनल पर है, और दो देश के नेता हैं, टॉप नेता, इनको आपस में संवाद करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसका हल निकालना पड़ेगा। जैसा आपने कहा, कतर का नेशनल डे है 18 दिसंबर, उस वक्त क्या कतर के अमीर एक फैसला लेकर इनको माफी दे सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी। अमिताभ, धन्यवाद आपकी डिटेल्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए।